और कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने महाकाल की सवारी के लिए उपयोग होने वाले शाही शब्द को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शाही शब्द को लेकर सनातनी समाज की ओर से देश के चारों पीठ के शंकराचार्य ही सर्वसम्मत फैसला करेंगे। कल उज्जैन रहे उसमें भी हमने यही कहा कि इसका निर्णय तो सनातनी स्वयं जगतगुरु शंकराचार्य जी अपने अपनी पीठ पर बैठकर करेंगे, तो उसका निर्णय क्या निकलता है। हर हर महादेव। मंदसौर का जिक्र कर के बीना में ये कार्यक्रम होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी जारी करेंगे सीएम। कृषि उपज मंडी में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री। लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से 1574 करोड़ ट्रांसफर किए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खाते में 332.43 करोड़ रुपए राशि का ट्रांसफर होगा। मैं अपनी बहनों की बेहतरी के लिए, खास करके महिलाओं के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री का जो भाव है, महिला, युवा, किसान सभी की बेहतरी के लिए जितना अच्छा हो सकता है उतना जरूर करना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ इस पैसे से वो अपने जीवन की बेहतरी के कई उदाहरण पेश करेगी। मैं कई बहनों को जान सकता हूँ जो इस मासिक रूप से मिलने वाली राशि से कोई सिलाई मशीन ले आई, किसी ने कोई अपना स्वतंत्र व्यवसाय कर लिया और अपनी आय बढ़ाई। आज का समय इसी बात का है कि हमारे अपने परिवार को ये राशि के माध्यम से वो अपने परिवार को सक्षम बनाने के लिए, बच्चों और परिवार की बेहतरी के लिए जो कर सकते जरूर करें। एक बार फिर मैं आज बीना से इस राशि को डालूंगा। आइए हम सब मिलकर के महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चले। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, आज एक क्लिक से 1574 करोड़ रुपए सरकार की ओर से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये महत्वाकांक्षी योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इसको लागू किया गया था और मध्य प्रदेश की 1,29,00,000 जो लाडली बहना हैं उनके खाते में आज सिंगल क्लिक के जरिए ये राशि आज हस्तांतरित की जानी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद बयान जारी करके कहा कि आज बहनों के लिए बेहद खुशी का दिन है, क्योंकि एक महीने में एक बार ये पैसा आता है और आज वो बीना जो सभा में संबोधित करने जा रहे हैं, लगभग 2 बजे के आसपास वो वहां पहुंचेंगे और एक सिंगल क्लिक से इस राशि को बहनों के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। देखिए, उन्होंने कहा कि केवल 1250 रुपए की राशि नहीं है बल्कि बहनों की समृद्धि की कहानी है, क्योंकि लगातार ये देखने में आता है कि जो गरीब बहनें हैं उनके लिए जब 1250 रुपए उनके खाते में पहुंचता है तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ सामान खरीद सकती है, बच्चों के पोषण के लिए सामान खरीदती है, अपने घर गृहस्थी के लिए सामान खरीदती है और अपने लिए खुद के लिए वो सामान खरीदती है। तो केवल ये 1250 रुपए नहीं है बल्कि महिलाओं के जीवन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मध्य प्रदेश सरकार का है। सशक्तिकरण की बात कर रही है यहाँ पर सरकार, लेकिन साथ ही पिछले महीने जब 1500 रुपए आए थे तो ये सवाल भी उठ रहा था कि अब धीरे धीरे क्या सरकार इस राशि को अपने जो वादे के मुताबिक बढ़ाने जा रही है, बहनों को उसका भी इंतजार है। देखिए, बिल्कुल देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जब ये योजना लागू की गई थी उस वक्त ये बात कही गई थी कि हर साल या हर 6 महीने में इसका रिव्यू किया जाएगा और राशि को बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब तक केवल एक बार ये राशि बढ़ाई गई, 1000 रुपए से शुरुआत की गई थी, उसको बाद में बढ़ाकर 1250 किया गया। चूंकि पिछले महीने सावन का महीना था, रक्षाबंधन का त्यौहार था और यही कारण है कि 250 रुपए अतिरिक्त जो है वो राखी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उनको बहनों के खाते में भेजे थे, यानी 1250 की जगह 1500 रुपए भेजे थे। और ये जिस बात का आपने जिक्र किया उसका लगातार कांग्रेस भी जिक्र करती है कि जब योजना में 3000 तक राशि बढ़ाए जाने का प्रावधान है तो मध्य प्रदेश सरकार इस राशि को क्यों नहीं बढ़ा रही है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार का यह कहना है कि 5 साल के लिए का जो योजना जो शुरू की थी तो 5 साल के लिए रोडमैप दिया गया था और अभी सरकार को महज 8 महीने का समय हुआ है, धीरे धीरे करके इस राशि को बढ़ाया जाएगा। जी, जी।